बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, स्केड्यूल नहीं था लेकिन हमें एक मुनाजरे का, एक डिस्कशन का चैलेंज मिला। इसहाक साहब का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है और उन्होंने हमें चैलेंज किया कि वो हमसे लाइव कॉल पे बात करना चाहते हैं। सुबह से उनसे हमारा राब्ता है, अभी मैं उनको 2-3 दफा पुकार चुकी हूँ, देखें अभी वो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं। मौलाना कासिम हमारे साथ मौजूद हैं जिनको हमने अपने मुनाजरे की तरफ के लिए, जो अपनी तरफ से हमने अपॉइंट किया, हमने उनको नॉमिनेट किया और हमारी तरफ से यानी मुसलमानों की जमात से मौलाना कासिम जो है वो मुनाजरे में या आप डिस्कशन कहें उसमें शामिल हो रहे हैं। उन इस्माइलियों की तरफ से इसहाक जमील साहब है, मैं स्क्रीन पे उनका नंबर और उनकी जो उन्होंने हमसे कॉन्वर्सेशन की है वो भी थोड़ी देर में हम आपको शो कर देंगे। हम वेट करते हैं इसहाक साहब का। मौलाना कासिम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मौलाना साहब, मैंने मतलब कुछ 15 मिनट्स पहले से मैं उनको कुछ राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ और जैसे कि पता है कि हम लोग प्रोग्राम पाकिस्तानी 9 बजे का रखते हैं क्योंकि मुनासिब टाइम होता है, हर कोई सोने से पहले थोड़ा प्रोग्राम देख लेता है। तो इन्होंने इंसिस्ट किया कि उनको पाकिस्तानी 10 बजे के करीब प्रोग्राम रखना है। आपकी बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, आपके पास टाइम नहीं था, ऊपर से ये प्रोग्राम भी एक कोई किसी स्केड्यूल के तहत नहीं हो रहा। हमने आपसे रिक्वेस्ट की, आपने एक्सेप्ट किए, जजाकल्ला खैर। हम फिर इसहाक साहब को मैं जो है वो लिंक भेज देती हूँ। आप इसहाक साहब को लिंक भेज दीजिए क्योंकि हमें भी मतलब यह है कि गैर स्केजुअल तौर पर बुलाया गया था क्योंकि इस्लाम हक बात है और हक बात हम अपनी दावत को सब लोगों तक पहुंचाते हैं। कोई भाई चैलेंज करके आए या वैसे ही सुनने आए, हमारा काम यह है कि हम हक को कुरान हदीस से जितना अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हम बयान करेंगे। बाकी कोई चैलेंज करके आता है या वैसे सुनने के लिए आता है, हमारे भाई है, हम उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, नॉर्मल तरीके से उनसे बातचीत करते अगर वो तशरीफ लाता। मुझे एक तशवीश होना शुरू हो गई है। मेरे मैसेजेस मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जरा स्क्रीन चेक कर लीजिए, शायद कोई हमारी बात पे यकीन ना करे। ये इसहाक जमील साहब का व्हाट्सएप है और इस पे एकदम से जो है पिक्चर गायब हो गई है और मैसेजेस के भी सिंगल टिक आ रहे हैं। मैं चेक करती हूँ, यहाँ से उन्होंने डीपी भी हटा ली है इसहाक जमील साहब ने। ये इनका नंबर आ रहा है, मैसेजेस भी आप देख सकते हैं। इनको मैंने लिंक भेजा। मैं बड़ी शर्मिंदा हो रही हूँ मौलाना कासिम साहब, मैंने आपको मतलब आपने हमारी रिक्वेस्ट कबूल की। आप कल भी माशाल्लाह पाकिस्तानी 2-2:30 बजे तक हमारे साथ रहे और आज प्रोग्राम नहीं था लेकिन आपने अपना टाइम निकाला और सब कुछ, लेकिन ये जनाब जी सुन लीजिए। आप फोन उठाएं, मुझे आपसे बात करनी है, आपके साथ डिबेट करना चाहता हूं। फिर आप वो रिकॉर्डिंग इसी तरीके से अपने ग्रुप में भेज दें। अच्छा माजरत के साथ इसाक भाई, मैंने आपका ना मैसेज अभी रीड किया है, तो अभी तो यहाँ पे बहुत टाइम हो गया है। इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ बात होती है, ठीक है जी। इसाक भाई जरा बताइएगा, रात को पाकिस्तानी 10 बजे आप कह रहे हैं ना? अच्छा ठीक है। और दूसरा ये कंफर्म करना चाह रही थी कि लाइव प्रोग्राम में आपको मैं इनविटेशन भेज दूंगी, तो आप वहां पर आ सकेंगे? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल मैडम, पाकिस्तानी 10 बजे टाइम हो और तकरीबन 10 बजे से लेके आप जब तक बोलें तो मैं 10 बजे टाइम निकाल लूँगा। फिर हम आराम से, मैं फारिग होकर घर भी आऊँगा और हम आराम से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जी मुझे थोड़ा फीडबैक दीजिएगा, आप लोग को आवाज़ आ रही है इनकी ऑडियो की? जी ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही हूँ अब। मुझे, मेरे दिल को पता है कि मौलाना कासिम साहब आज इतने मसरूफ थे कि इनकी नींद भी पूरी नहीं हुई। और माशाल्लाह ये नमाज भी पढ़ाते हैं और उनके इतने सारे काम, रात को बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है। इस्माइली हजरात जो हैं वो चैलेंज जरा मुकम्मल सुनिएगा प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया साहब भाई। दूसरा ये मैंने कंफर्म करना था कि लाइव प्रोग्राम होगा, लेकिन आपकी हम जो है वो एक ही शख्स से बात करवाएंगे। जिस तरह सारे बोलते हैं इस तरह मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपके साथ कोई आना चाहता है तो आप उनको भी दावत दीजिएगा। 2 लोग आपकी तरफ से हों और 1 हमारी तरफ से हो, या 2 हमारी तरफ से हों। अस्सलाम वालेकुम। हाँ देखिए मैडम, मैं बहुत ज़्यादा जमघटे में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ कोई एक बंदा मेरे सामने आए जो पहले अपने आप को पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस करवाए कि भाई मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है और मैं फ़लान, इस्लाम के फ़लान सेक्ट को मानता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर हम जब टॉपिक आप सेलेक्ट करें, अच्छा उसके बाद ये होगा कि एक सवाल वो करेगा, फिर मुझे जवाब देने का मौका देगा। फिर मैं, अगर मेरे जवाब से मुतमईन हुआ या नहीं हुआ इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं सवाल कर लूँगा, फिर वो जवाब दे, फिर इसी तरीके से फिर मैं उसके जवाब से मुतमईन हुआ या नहीं हुआ वो मेरी मर्ज़ी। अगर ऐसा नहीं है कि वो सवाल करते जाए, मैं जवाब दूँगा, वो काउंटर सवाल करे, मेरा काम सिर्फ जवाब देना है। किसी के नौकर तो है नहीं, ठीक है। सवाल करने का जितना, अगर 5 सवाल वो करना है। अच्छा मेरी थोड़ी इस्लाह कीजिएगा मौलाना कासिम साहब, मुझे एक शक पड़ रहा है क्योंकि नीचे जब मैंने इनसे कहा तो ये मैंने प्रोग्राम का इनको लिंक दिया, तो ये कहते हैं माय रियल नेम इज नॉट इसहाक जमील। शक तो मुझे पहले ही था क्योंकि इनकी आवाज जो है वो आफताब हुसैन मिशनरी से मिलती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है या किसी और को भी लगता, कुछ ऑडियो वीडियो आपने मुझे सेंड किए थे तो उनमें शिर्क का खुफिया पहलू वगैरह उस पर डिस्कस में करूंगा, मौका नहीं मिला है। किसी दिन उस पर पूरे डिटेल से बात करेंगे। उन्होंने कुरान, चूंकि मखसूस आयतों को उन्होंने देखा है, आधा हिस्से को नहीं देखा, आयतों के खिलाफ बोल रहा है उसमें भी, उस पर इंशाल्लाह तफसील से डिटेल से बात करेंगे। वही शख्स है गालिबन, आपने इनका नाम मुझे आफताब मिशनरी साहब बताया था जो हुंजा में होता है, पीर नसरुद्दीन हुंजाई के जानशीन है कोई। तो वाले कुछ जी कुछ डांस के इनके वीडियो देखे थे, ये हुंजाई है। और इस्माइलियों को खुसूसन हमारे अजीज व अकारीब जो इस्माइली भाई है उनका इनके बारे में सख्त रवैया है, बहुत नाराज भी है। कह रहे कि एक हुंजाई साहब को, आफताब मिशनरी साहब को किसने इख्तियार दिया कि वो आके इस्माइली जबा उस पर बोले, अपने आप को इस्माइली दानिश्वर के है। मैंने उनसे कहा कि यार ये बंदा बात कुछ ना कुछ तो करता है और हमसे भी इसने बात करने का इरादा किया है, शायद एक दफा मुलाकात हो जाए। लेकिन मुझे तरद्दुद था क्योंकि जितने भी इस्माइली हजरात से हमने पाकिस्तान में या कहीं भी बात करने की कोशिश की तो वो मुनाज़रे, डिबेट इनके लिए नहीं आते, क्योंकि इनके बहुत शागिर्दों ने आकर वक्तन फवक्तन आपसे उनकी बातचीत में सुनता हूँ, वो कहते रहते हैं कि आपको इनका जवाब आफताब मिशनरी साहब देगा, आफताब सर देगा। तो सर आज चैलेंज करके, आज अभी हुआ 10:11, आपको मेरे ख्याल में उसने अब रिमूव तो नहीं किया, इससे ब्लॉक तो नहीं, रिमूव नहीं किया। बल्कि मैं एक गुजारिश करूंगी कि स्क्रीन पर जिनके पास ये नंबर आ रहे हैं, जी जिनके पास ये नंबर है, और अगर आप लोग अपने पर्सनल तौर पे इनको कोई मैसेज करना चाहें कि उनके एजाज में आज प्रोग्राम रखा, इनके कहने पे रखा, मैंने देखिए यहाँ पे अगर आपको वो व्हाट्सएप के मैसेजेस दिख रहे होंगे तो मैंने इनको कितने रिक्वेस्ट से कहा कि जी इसाक भाई 10 बजे का फिक्स टाइम है। यहाँ पे देखें, इसाक भाई अगर आप इशा के फौरन बाद प्रोग्राम में आ सकते हैं तो मेहरबानी होगी, क्योंकि सोने का टाइम होता है बाकी लोगों का। आप 8 बजे तक या 9 बजे तक का टाइम दे दें तो मेहरबानी होगी। यानी मेरे मैसेजेस आप देखें, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, अगर वो नहीं माने तो मैंने उनका 10 बजे का टाइम भी एक्सेप्ट किया। लेकिन यहाँ पे देखिए वो कहते हैं माय रियल नेम इज नॉट इसहाक जमील, तो मैंने कहा ओ सॉरी, मैंने आपका नाम 10 दफा इसहाक कहा लेकिन आपने मुझे करेक्ट नहीं किया। तो खैर कोई बात नहीं, रियल नेम नहीं है तो इट्स ओके, हमें आपके व्यूज से मतलब है, नाम से नहीं। तो कहते हैं मशनरी साहब आते ना, आफ्ताब मशनरी साहब अगर है वो आते तो और भी अच्छा होता ना, क्योंकि लोग उनके बड़े रेफरेंस दे रहे हैं। आज हम कुछ बात करते अकायद पे, आगा खान पे कि इनको किसने इख्तियारात दिए दीन इस्लाम में इतने इंटर होने की। डेट अरब मुस्लिम के अगेंस्ट जाकर ये कौन है क्या है, इमामत पे, उलुल अमर पे, हम नूर पे भी डिस्कस, जो वो टॉपिक चूज कर इंशाल्लाह सब पे डिस्कस करते और उनसे भी हम कुछ मजबूत रेफरेंस मांगते हैं। लेकिन वो एक बात इसमें कह रहे हैं कि मैं जवाब दे दूं, आप उसको माने ना माने, आप कहे मैं मानू ना मानू। भाई एक कुरान की आयत वो पेश करके अपना तर्जुमा करेंगे, एक में 1400 साल से मुफस्सिरीन का, मुहद्दिसीन का, अहले बैत का, सहाबा का तर्जुमा पेश करूंगा, तो वो अपनी तरफ से अपना तर्जुमा पेश करेगा। तो फिर किसी मुंसिफ का होना भी जरूरी है कि वो फैसला करे कि किसने सही कुरान का तर्जुमा पेश किया, किसने कुरान में तहरीफ करके लोगों को धोखा देने की, दगा करने की, माने में तब्दीली करने की, कुरान में जुर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तो फैसला करने वाला होना चाहिए। इसलिए हम आइंदा कभी इनके साथ ऐसी डिबेट का वो इरादा करें। तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर वो अपने साथ 150 इस्माइली लाए और हम जो है ना डिप्टी कमिश्नर से बाकायदा इस्लामाबाद आकर इजाजत लेंगे और वहां पर मैं सिर्फ जो है ना एक मौलाना साहब को साथ लेके आऊंगा, वो बोलेंगे इंशाल्लाह। मौलाना इलियास गुमन साहब को अगर ये कह रहे उनको भी मैं ला सकता हूँ, नाम मारूफ है, सर्च करें यूट्यूब पे, या मौलाना मंजूर मंगल साहब है, अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब है, इन सब से हम कॉन्टेक्ट करके उनको ला सकते हैं। हम आपको तहफ़ुज़ देंगे बाकायदा, वहाँ पर DC साहब को बुलाएंगे, डिप्टी कमिश्नर साहब को बुलाएंगे, ये सब जिम्मेदारी हमारी है। आपको पुलिस के फोर्स तकरीबन 50 बंदे आपकी हिफाजत के लिए बुलाएंगे, हम सिर्फ 3 मौलवी आएंगे, बोलेगा सिर्फ एक, 2 का काम सिर्फ होगा कि वो बोलेंगे तो हम किताबें खोल के, वो हमारे बुजुर्ग उनके सामने हम बोल नहीं सकते हैं, बड़े हैं, हम किताबें खोल के सिर्फ दिखाएंगे कुरान हदीस से। और मुंसिफ जो है ना, आप अगर शिया आलिम कहते हैं उनको लाएंगे, आप एक इस्माइली भी मुंसिफ शख्स को लाए, और जो है ना आप शिया आपसे ज्यादा करीब है, एक शिया किसी आलिम को लाएंगे, वो बैठेंगे, बरेलवी मौलवी साहब को लाएंगे, वो उनको बैठाकर वो फिर फैसला करेंगे कि भाई किसने कुरान का सही तर्जुमा किया, किसने हदीस की इबारत सही पढ़ी, तर्जुमा सही किया, इससे ये मुराद है, इसने गलत किया, ये हक पर है, ये झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये सही है। वो कोई फैसला करने वाले ऐसे लोग बैठाएंगे। अगर आप उसके लिए एग्री है तो हम वहाँ भी आएंगे, इंतहाई तहजीब के साथ, नाशाइस्ता कोई बात नहीं होगी। आप हमारी इज्जत का ख्याल रखें, हम आपका एहतराम करके आपसे बात करेंगे। जी यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, इस्माइली कभी मुनाजरा नहीं कर सकते, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पैसे और नौकरी के लिए प्रिंस करीमा खान के साथ जुड़े हुए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मुझे एक उम्मीद थी कि हम कई अरसे से जो आपने आफ्ताब हुसैन साहब है मिशनरी, उनको हम दावत देते रहे, उनके साथ हमने ग्रुप्स भी बनाए, बात करते रहे, हमेशा ये हमें अवॉइड करते हैं, हमेशा भागते रहते हैं। आज इनकी पता नहीं ये खुद हैं, क्योंकि मुझे तो आवाज से ये वही लग रहे हैं। मैं फिर आवाज सुनवा देती हूँ और आप लोग मैच कर लीजिएगा। शेख का पोशीदा पहलू आपको ये आवाज वही, ये एक शख्स है, या ये इशाक साहब है या ये आफ्ताब मिशनरी, जो भी है, ये है एक बंदा है, अलग अलग नहीं है। एक बात, दूसरी बात यह है कि अबूजर साहब चित्राल के, कोई अबूजर साहब थे, उन्होंने आके कहा था कि आपसे जो है ना आपको जवाब आफ्ताब मिशनरी साहब देंगे। इनका एक और स्टूडेंट कोई था, वो कहा कि वो आपको बताएंगे कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर यहाँ तक। तो हम तो चाह रहे थे कि एक दफा आ तो जाए ना, बातचीत हमारी हो जाए, इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी होगा। अल्लाह जो है ना हक को फतह, बातिल को शिकस्त मुकद्दर करेंगे। जो भी बातिल हो कुरान हदीस लेकर हम तो आए हुए हैं, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए। और एक उम्मीद थी बड़ी, इन्होंने मनाजरे के लिए देखे अपनी शर्तें शरायतें सब मनवाई है हमसे, हमने इनको सुन लीजिए जरा। मसला यहाँ ये है ना कि हम किसी एक सेक्ट के अंदर कोई फुरूई मसले का वो अपनी फ़िक़े से जवाब दें, मैं अपने फ़िक़े से जवाब दूँ कौन सा सही है, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ तो पूरी मजहब पे अटैक होगा, पूरे मजहब पे अटैक होगा। आपकी जो नज़रियात हैं उस पर मैं अटैक करूँगा, आपकी नज़रियात पर अटैक करूँगा, अटैक करोगे। तो यहाँ पे बंदा कहाँ किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे टिक सकता है? मुझे तो लगता नहीं है, मुश्किल होगा। खुद ब खुद वो भी नहीं कर सकेगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो बंदा मेरे सामने मुनाजरे में बैठेगा वो भी नहीं कर पाएगा। तो और मैं भी नहीं कर सकता हूँ, ये मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी एक चीज़ को डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पूरी मजहब है। आपको मेरी पूरी नज़रियात के ख़िलाफ़ जाना होगा। आप मेरी नज़रियात में किसी भी नज़रिए को लेके मुझसे पूछ सकते हो, मैं भी आपकी नज़रियात में कुछ भी हो, मगर मैं तो कोशिश कर लूँगा, मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर लूँगा कि मैं कोई एक रूट पकड़ूँ, और यही होगा। तो जी हमने इनकी ये शर्त भी मान ली, ये हमारे मजहब पर अटैक करने का पूरा प्लान कर चुके। मैंने ये भी एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा मैं सबसे बात नहीं करूंगा, मैं एक से करूंगा, मैंने वो भी एक्सेप्ट किया। हमने अपनी तरफ से मौलाना कासिम को जो है वो रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से आए और इस प्रोग्राम में शामिल हुए, टाइम निकाला। इस वक्त आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान के क्या टाइम हो रहा होगा, और जो लोग रात को जल्दी सोते हैं, सुबह उन्होंने फजर की नमाज पढ़नी होती है, उनके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस्माइली हजरात को जो है वो अब ये धोखा दही और ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए, बड़ा शर्म का मकाम है। और मैं तो एक ही बात बोलूंगी कि आफ्ताब हुसैन हमें अभी भी सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने उनके ग्रुप में ये सारी चीजें शो की हैं। ये नंबर स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, ये नंबर है इसहाक जमील साहब का। एक आखिरी कोशिश कीजिए, अगर किसी के पास टाइम है और अगर इनको कोई बुला सकता है, ये इनके पास ये डीपी लगी होगी, अगर आप लोग फोन करके उन्हें कहिए कि आपके एजाज में लोग बैठे हुए हैं। तकरीबन मैं इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं। जी प्लीज कीजिए। 145 लोग अभी हमें देख रहे हैं और 8 प्लेटफॉर्म्स पे मिलाकर। तो सारे लोगों का हमने ये प्रोग्राम स्केड्यूल किया, यूट्यूब पे हमें लोग देख रहे हैं, और ये जनाब हमें इस तरह डिच करके भाग गए। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मैं उनको कॉल मिला रहा हूँ। जी मिलाइए। एक सेकेंड, मैं जरा उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये नंबर उसका होगा, इसहाक नाम बताया। नूरुल्ला भाई भी हमें सुन रहे हैं। नूरुल्ला भाई आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे अजहर भाई भी कर सकते हैं। मैं कॉल कर रहा हूँ, आवाज से मेरे जी आप इनको कॉल जा रही है। व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा। वो नहीं उठाएंगे, उन्होंने देख लिया नंबर। दाऊद आलम शरीफी, इतनी गालियां बक रहे हैं इनको। गालियां तो फिर आप लोगों को मुसलमानों से पढ़नी चाहिए, जिनका आप लोग टाइम भी वेस्ट करते हो अपने झूठे अकायद की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, जरा एक दफा नंबर तो शो करिए प्लीज। जी भाई मैं करती हूं, जरा आप भी ट्राई कर लीजिएगा। बल्कि जो जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने टाइम निकाला है और जो ये मुनाजरा सुनना चाहते थे, आपने देखा वो किस तरह हमें चैलेंज कर रहे हैं कि मैं आपके मजहब पे अटैक करूंगा, मैं आपसे जो मर्जी मेरा दिल करेगा मैं आपके मजहब के मुताबिक सवाल करूंगा, मजहब हमारा इस्लाम है। ये इन्होंने हमसे कहा कि मैं आपके मजहब के बारे में जो दिल में आएगा मैं पूछूंगा। इतनी बातें करके गायब हो गए। ये इस्माइलियों का हाल है। और फिर इनके हमनवा जो इनके इस्माइली जमात है वो हमसे कहती है आप हमारे मिशनरियों से बात नहीं करते, आप हमारे बड़ों से बात नहीं करते। क्या बात करें आप लोगों से? आप लोग तो दगाबाजी में आगे निकल गए। वालेकुम अस्सलाम। ये नाम उनका आफ्ताब है ना, उन्होंने रात में अपॉइंटमेंट दी, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है ना कि वो नहीं दिखेंगे। अच्छा, आफ्ताब तो बेचारे दिन में दिखते हैं, रात में छुप जाते हैं। पाकिस्तान में अभी रात है। अच्छा, आपने वो बातनी मीनिंग निकाल लिया ना इस्माइलियों वाला। आपने इस्माइलिज्म छोड़ दिया, बातनिज्म नहीं छोड़ा। ऑनलाइन बता रहे नहीं, ठीक है। अगर वो नहीं आते तो मैं जो है एक इस्माइली के कुछ जो अकाइद है, मौलाना कासिम साहब अभी वक्त दिए ही है तो 10-15 मिनट में कुछ 2-4 सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ। अब देखिए, अगर आफ्ताब साहब आ गए तो माशाल्लाह, नहीं आए तो अगर कासिम साहब इजाजत दे तो मैं 2-4 सवाल जो इस्माइली के अकाइद है, आप कुरान और हदीस से उसका जवाब दे तो इंशाल्लाह जो है सुनने वाले जो है 2-4 चीजें हम भी सीखेंगे आपसे इंशाल्लाह। उससे पहले कुछ मैं कुछ बोलना चाहूंगा उससे पहले। जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा कि मुझे पता चला तो मैंने तो यही सोचा था कि इंशाल्लाह आज इस्माइलियों की तरफ से कोई आएगा और बातचीत करेगा और इंशाल्लाह अपने मजहब के बारे में कुछ बताने की कोशिश करेगा। और मैं तो काफी मैंने एकदम एक्साइटेड था कि मैंने माशाल्लाह काफी टाइम के बाद में कोई आया है, वो भी चैलेंज कर रहा है और सारी किताबों के साथ वो आएगा। बट बड़े अफसोस के साथ कहना चाह रहा है इस्माइलियों से भी और सारे लोगों से जो सुन रहे हैं कि बड़े अफसोस के साथ कि इन्होंने चैलेंज करके खुद सामने से चैलेंज करके इन्होंने नहीं आया। ये हमें इससे ये साबित होता है कि माने ये लोग के पास कोई चीज की दलील या कुछ तरह के नहीं है। ये सारा कुछ माने जो चलाते हैं सारा कुछ, इससे ये साबित होता है कि ये सारा फ्रॉड है। भाई माने जो चीज हम आज तक चैनल चलाते हैं, हम आज तक कितनी दफा हमने बताया है चैनल पे। खान भाई कुछ जरूरी बात करना चाह रहे। जी 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 जी। उन्होंने वो टाइप कर रहे मैसेज और मैसेज भेज रहे हैं मुझे, जनाब नेम जाहिर होने के बाद मैं नहीं आ सकता, ऐसा बोल रहे हैं अभी। अरे ये तो हमने 10:10 बजे तो नाम जाहिर किया ना। मैं आपको ये टाइम मैं चीजें दिखा देती हूँ। जी उनको बोलिए, मैं उनको बोलता हूँ कि जब आप क्लिक करेंगे वहां पर नाम आप चेंज करके आ सकते हैं, आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। मैं उनको लिखकर भेजता हूँ, एक मिनट। देखिए मेरी इनकी जो कॉन्वर्सेशन हुई है नाम के मुतालिक वो 5 बजे हुई है, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो मुझे कह देते मैं प्रोग्राम डिलीट अभी उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, मुझे ब्लॉक कर दिया उन्होंने। मैं बोल रहे हैं सेफ्टी मौलाना कासिम साहब है सामने, मौलाना है तो बेचारे आके भी करेंगे क्या, क्योंकि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जाहिलों के आलिम रहे हैं ना। अब नहीं उठाएंगे कासिम साहब, अब नहीं उठाएंगे वो, अब नहीं उठाएंगे, अब नहीं उठाएंगे। पता तो चलेगा इंशाल्लाह। उनको बोलिए कि जब आपका दिल बोले दूसरा नाम बदल के आ जाइएगा, अल्लाह जो है बेहतर जानने वाला है नाम में क्या रखा है। नहीं वैसे तस्वीर जो लगी है ये बड़ा यंग जो है ना, काफी संजीदा आदमी लग रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहे बंदा। नहीं मतलब कासिम साहब पूरे मिशनरी है ना, वो संजीदा ही लगते है। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि अगर आप एक मजहब में हैं और आपको वो मजहब सही लगता है तो डर किस चीज का है कि नाम जाहिर हो गया और ये हो गया और वो हो गया तो क्या फर्क पड़ जाता है। अकीदे पे ही बात करनी है ना, कोई गंदा काम तो नहीं करते आप। इस्माइली है ना। ये तो फोन डर गए 10 दफा इसको कॉल की हमने, ये फोन ही नहीं बंद ही कर रहे हैं, उठाई नहीं। आगे 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 जाके वो आपका फोन भी ब्लॉक हो जाएगा कासिम साहब इंशाल्लाह। नहीं ये तो अजीब बात है ना कि बोल रहे थे ऑडियो में आके ये बोलते हैं लोग, इधर आके हमारे सामने आपका ही हवाला देते हैं। आज बड़ी मुश्किल से हाथ आए थे, फिर क्यों नहीं आ रहे? नहीं कासिम साहब अभी जो है ना मेरा जो है इस्माइल अकीदे वो ऑडियो भेज रहे हैं, ऑडियो सुने एक मिनट रुकिए। अच्छा चलो ऑडियो ही गनीमत है, भागते चोर की लंगूटी ही सही। वो बोल रहे हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फर्स्ट, ऐसा बोल रहे हो लिखकर भेज रहे हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है ना भाई। रोज इमाम के पास रोज दुआ मांगते हैं ना, वो तो फिर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। उनके इमाम नाम भी नहीं छुपा सक रहे हैं इस्माइली होगा। नहीं मैं जो है ना मैं आज इनको माफ नहीं करूंगा भाई। मैं अपने तमाम सारे इस्माइली रिश्तेदारों को बताऊंगा कि इस्माइलियत का नाम लेकर इस शख्स ने आकर यह हुंसाई इस्माइली नहीं है, और खामखा जो है ना इसलिए इस्माइलियत की दिफा करने की कोशिश की और भाग के तुम्हें भी जो है ना बेइज्जत की है इसने। भाई क्यों इस्माइलियों को यहाँ आके जलील कर रहे हो? जब आप हुंसाई है, आपका इस्माइलियत से ताल्लुक नहीं है, उनको इस्माइलियत का नाम, खानियत का नाम लेकर, इमाम का नाम लेकर क्यों आ रहे हो? या बोलो कि यार मैं नसरुद्दीन हुंजाई का जानशीन बोल रहा हूँ, फिर आपसे अलग बहस होगी हमारे। इतने इस्माइलियों को आके तू जाके जलील कर रहा है। इस पे बड़ा इस्माइली नाराज है इनसे। फोन रख दिए। आफताब हुसैन भी नहीं आएंगे, ये लोग भी नहीं आएंगे। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो आएंगे किस बिना पर? जी सरदार अयूब सारंग कहते हैं मनाजरा करके आप लोगों को क्या मिलेगा मेरे भाई, हमने तो उनको बोला ही नहीं था मनाजरे का। पहला ऑडियो अगर मैं स्क्रीन पे शो करती हूँ, पहला उन्होंने मुझे मैसेज किया है, ये सुन लीजिएगा कि वो मुझसे कह रहे हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, मनाजरा करना है, उसको आप रिकॉर्ड कीजिए। आप फोन उठाएं, मुझे आपसे बात करनी है। उसको जो नंबर है उसको फोन करके उसको पकड़ो भाई, तू कौन है आकर अपने ग्रुप में। इस्माइल या इन भाई को भी नंबर दे दो उनका, इन भाई को भी दे दो नंबर। स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन का ऑडियो सुने। नहीं अभी मैं कल सुबह उसको चाय पी के कहूंगा, आज तो अभी मैं लोग बहुत पीछे लगे, सुबह करूंगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है। अच्छा मैं बस एक डिस्क्लेमर लगा देती हूँ सबके लिए। हमारे मौलाना कासिम साहब आज बहुत शदीद थके हुए, नींद में, इनकी नींद नहीं पूरी 3-4 दिन से। आज हम इनको इजाजत देते हैं कि अगर उनका दिल करता है तो प्रोग्राम में रहें, वरना हम ये प्रोग्राम जो है फिर हम किसी और के हवाले करेंगे। किसी और इस्माइली को दावत देते हैं, वो आ जाएंगे हमसे बात करने के लिए। और जो भी सवाल जो आपका सिलसिला है वो हम मौलाना कासिम से किसी और दिन भी रख सकते हैं, लेकिन अली भाई के सवालात हैं वो काफी देर से पूछना चाह रहे थे, लेकिन वो अब मौलाना कासिम पर डिपेंड करता है कि वो आज जवाब देंगे या किसी और दिन। जी अली भाई, इस मेरे ख्याल में वैसे मशवरा है कि इस को मुख्तसर ऑडियो, इसको ज्यादा लंबा, 28 मिनट के ऑलरेडी हो गया, ये सब चीजें इसमें भी आ गई है, इसको क्लोज करेंगे। और ये जो है ना आफ्ताब मिशनरी साहब की तरफ भी सेंड करे और सब जगह शेयर करे, ताकि सबको मालूम हो कि हम बड़ी कुर्बानी देकर काम काज आगे पीछे करके आए थे, वादे के मुताबिक वादा खिलाफी करके आफ्ताब मिशनरी साहब तशरीफ नहीं लाए और चले गए। तो फिर भी मौका है, बराह रास्त भी हम फेस टू फेस भी बैठ सकते हैं, जिस कंट्री में के है, जिस शहर में के है, जिस इलाके में के है। हाँ अलबत्ता हम यहाँ से चल के उड़ के पाकिस्तान से होते हुए हुंजा नहीं आ सकते हैं, वो बहुत दूर पड़ता है। इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में हम आपको वेलकम करेंगे। तो उस तरह डिबेट करना चाह रहे हो या इधर तो आप आए नहीं है, फिर वैसे ही अपनी तरफ से ऑडियो बना कर दावा करने की जरूरत भी नहीं है। और इसको मुख्तसर या यहाँ स्टॉप करके फिर अलग से ज्वाइन करके हम 5-10 मिनट बात कर सकते। बिल्कुल सही कासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मशवरा बेहतरीन है, ये अब रिकॉर्ड में रहेगा। नेक्स्ट टाइम कोई इस्माइली दावा करेगा, मुनाजरे करने की बात करेगा, पे शो कीजिए ना नंबर, बिल्कुल शो करते हैं ना। ठीक है, ये नंबर है और मैं ये कमेंट हटा देती हूँ सारंग भाई का। ठीक है, ये नंबर है आखिरी इख्तिताम की बात ये कि अब हमें कोई इस्माइली चैलेंज करने से पहले ये सोच ले कि अगर वो भागा तो फिर उसका फोन नंबर और उसकी पिक्चर हम स्क्रीन पे शो करेंगे, जलील करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमारा टाइम वेस्ट किया, हमारे व्यूअर्स को भी वेट करवाया और अपने दावे से भाग गए। आफ्ताब हुसैन साहब के लिए बहुत बड़ा एक शर्म का मकाम कि उनके जो मानने वाले हैं ये इसाक साहब उनके ग्रुप में हुआ करते थे और उनकी तरफ से काफी बात करते थे, लेकिन अब ये इनकी पूरी टीम अब राह फरार में इख्तियार हो गई है। तमाम जो भाई ने हमें ज्वाइन किया है, अगर आप लोग चाहें तो मैं सेकंड प्रोग्राम बना लेती हूँ थोड़ी देर में, आप लोगों के मशवरे से ये प्रोग्राम एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि।